ओके तो दोस्तों, समय के साथ साथ आपकी कैमरा क्वालिटी दिन प्रतिदिन अच्छी ही होती जा रही है स्मार्टफोन में। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे तीन स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का। दोस्तों वैसे तो 108 मेगापिक्सल से आपको ओवरऑल फ़ोन की फोटोग्राफी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों जो फ़ोन की जो डिटेलिंग है वो आपको ज़्यादा बड़े सेंसर से थोड़ी और अच्छी देखने को मिल जाती है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको ऐसे तीन स्मार्टफोन जिनके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों फोन की ओवरऑल क्वालिटी भी आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। तो शुरुआत करें अपने पहले स्मार्टफोन से जो कि दोस्तों हमारा होगा मोटोरोला की तरफ से मोटो G60। दोस्तों ये स्मार्टफोन कमाल का स्मार्टफोन है, इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों कीमत की बात करूं इस स्मार्टफोन की तो इसके 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की आपको कीमत देखने को मिलती है 17,999 रुपए। और दोस्तों बात करें इसके अन्य फीचर्स की तो दोस्तों आपको इसके अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon का 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों इसमें आपको बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप के साथ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जिससे मैं आपको बता चुका हूं फोन की आपको डिटेलिंग काफी अच्छी इससे देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों 16 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों आपको इसके अंदर एक बड़ी बैटरी जो कि 6000mAh की देखने को मिलती है इसके 20 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों कीमत भी अच्छी है तो वहीं इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको कमाल के देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला कैमरा देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है मोटो G60। और अब दोस्तों बात करें अगले स्मार्टफोन की तो दोस्तों हमारा अगला स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से होने वाला है रियलमी का 8 प्रो। दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत की बात करूं सबसे पहले तो इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है जिसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 17,999 रुपए। वहीं इसका अगला वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 19,999 रुपए। दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ब्लैक, ब्लू और येलो कलर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स की, दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर काम करता है जिसके अंदर आपको Realme UI 2.0 देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको AMOLED डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट में वही 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। 4500mAh की बैटरी के साथ इसके अंदर आपको एक 50 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। फीचर्स दोस्तों स्मार्टफोन के भी काफी कमाल के हैं, सिर्फ 17,999 रुपए में इसका भी एक शुरुआती वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं दोस्तों अब अगले स्मार्टफोन आखिरी स्मार्टफोन की तरफ जो कि दोस्तों हमारा होगा Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro Max। दोस्तों ये स्मार्टफोन मार्च महीने में इंडिया में लॉन्च हुआ था जिसके अंदर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पहला वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 18,999। वहीं इसका अगला वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 19,999 रुपए। और वहीं इसका आखिरी वेरिएंट जो भी देखने को मिलता है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 21,999 रुपए। साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 11 पर काम करता है जिसके अंदर आपको MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले दोस्तों स्मार्टफोन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको Qualcomm Snapdragon का 732G प्रोसेसर इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला। फ्रंट में वही आपको इसके अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है और बैटरी आपको इस स्मार्टफोन की 5020mAh की देखने को मिल जाती है इसके 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। फीचर्स दोस्तों स्मार्टफोन के भी काफी कमाल के हैं लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रखी गई है। अब दोस्तों बात करें इन तीनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा जो कि इतने अच्छे फोटोग्राफी आपको दे देता है 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला, तो दोस्तों आपको Realme 8 Pro जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए आपको Moto G60 की तरफ, क्योंकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन थोड़ी कम कीमत ही सही 1000 रुपए ही सही कीमत तो कम उनकी देखने को मिल ही रही है आपको, जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी से लेकर बैक डिजाइन भी कमाल का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप ज्यादा खर्च करना चाहते ही हैं तो फिर आप जा सकते हैं Redmi Note 10 Pro Max की तरफ, उसका बैक लुक भी कमाल का है, फीचर्स भी काफी कमाल के हैं। अगर ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो जा सकते हैं, कम खर्च करने हैं तो आप जा सकते हैं Realme 8 Pro की तरफ। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।